Thank you. Welcome. Very tasty it is. Tasting just like chicken. Very nice. Nice flavor it has, juiciness, everything. If you also want to know how to make this, when mama will upload the video, na that time see. तो चलिए बनाना चालू करते हैं मेरे बेटे का फेवरेट सोयाबीन मसाला। उसके लिए पानी लिया है मैंने, 4 से 5 कप पानी लिया है और 1 कप उसमें मैं सोया वड़ी डाल रही हूँ, जो सोया चंक्स रहता है वो। पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था मैंने, ताकि सोयाबीन्स में सोया चंक्स में थोड़ा नमकीन भी रहे। अब मैंने ये छोटा साइज़ का चंक्स लिया है क्योंकि ये दिखने में भी प्लीजिंग रहता है, और बड़ा साइज़ जो है ना बहुत मोटा मोटा लगता है, मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मिनी चंक्स लिए हैं। 10 मिनट मैंने इसे अच्छे से बॉईल कर दिया था और इसे मैं छान के ले लिया है। अब ये जो छाना हुआ सोया चंक्स है, इसे मैंने पानी में डाल के इसे अच्छे से धो लिया है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे स्क्वीज़ करके हमें इसका एक्सेस जो पानी है वो निकाल देना है। देखिए कुछ इस तरह, ठीक है। तो अब इसे हमें मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए 1/2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई लीजिए और इसमें तेल डाल लीजिए अपने हिसाब से। मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। अब जो हमने मसाला लगाया हुआ सोया चंक्स है वो इस गरम गरम तेल में हमें बस 2 मिनट के लिए भून के ले लेना है। ये स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ये स्टेप करोगे ना तो आपका जो सोया का जो करी है वो लाजवाब बनेगा, ठीक है। तो अब इसे मैं निकाल दे रही हूँ, और ये जो साइड में सब चिपका है ना, इसे पैन को आप धोइएगा मत, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्लेवर है। तो उसी में मैं वापस से 2 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ, 2 तेज़पत्ते डाले, 8 से 10 मैंने इसमें काला मिरी डाला, और 1 छोटा सा मैंने मतलब मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर दिया था वो भी डाल दिया है। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि प्याज अपना पानी छोड़ दे और ये अच्छे से भी भून जाएगा। अब थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरा मिर्ची मैं कूट रही हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास रेडीमेड पेस्ट है आप तो वो भी डाल दीजिए, लेकिन फ्रेश कूटा हुआ जो रहता है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दिया, इसे अच्छे से मैं भून रही हूँ। देखिए साइड में जो भी लगा था वो भूनते भूनते जैसे इसका मॉइस्चर निकलेगा ना वो अपने आप छूटते रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप इसमें टमाटो का प्यूरी भी डाल दिया है, मतलब 2 मीडियम साइज़ के टमेटोज़ को मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, मेरे पास टाइम नहीं था बॉईल करके उसको प्यूरी बनाना, इसलिए मैंने डायरेक्ट कच्चे टमाटर को ही मिक्सर में डाल दिया था। अब इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर अपना पानी नहीं छोड़ दे और थोड़ा सा ये सूख नहीं जाए। तो मैंने इसे ढक्कन लगा के 2 मिनट पका लिया था। अब क्योंकि ये चिपकने लगा था तो मैं हल्के हल्का इसमें पानी का छींटा मारती गई। अब मसालों में 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है इसमें, और इसे भी हमें अच्छे से भून के लेना है। थोड़ा थोड़ा आप पानी का हाथ मारते रहिएगा, पानी का छींटा मारते रहिएगा, ताकि मसाले हमारे जले नहीं, ठीक है। तो ऐसे इसके साइड्स को स्क्रेप करते हुए हमें इसे भूनना है, ताकि जो भी मसाले साइड में चिपके हैं वो सारे हमारे मेन ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब क्योंकि सोया चंक्स में कोई फैट कंटेंट नहीं रहता है, मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ ताकि ये हेल्दी फैट्स भी बन जाए और थोड़ा ये पौष्टिक भी बन जाए, और घी डालने से इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा अच्छा निखर के आता है। तो 5 मिनट मैंने इसे ढक के रख दिया। देखिए थोड़ा थोड़ा इसका ना साइड से ऑयल्स रिलीज होना चालू कर दिया है, मतलब मसाला भून गया है। अब जो लास्ट स्टेप है इसमें वो है दही डालना। मैंने 1/2 कप इसमें फेटा हुआ दही डाल दिया और इसे भी अच्छे से मिला लिया। अब ढक्कन लगा के हमें इसे तब तक पकाना है जब तक दही अपना तेल नहीं छोड़ दे। देखिए कैसे यहाँ पे आप साइड से देखोगे दही ने भी अपना ऑयल्स और फैट्स छोड़ना चालू कर दिया है। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और जो हमारा भुना हुआ सोया वड़ी था, सोया चंक्स था, वो इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से चला लेंगे। अब आप इसे रोटी के साथ खा रहे हो या चावल के साथ खा रहे हो तो उस हिसाब से आप पानी का कॉन्टेंट इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
मैंने लगभग शायद 2 कप इसमें पानी डाला रहेगा। और ध्यान दीजिए, जब हम पानी डालते हैं ना तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी मत डालिए, डायरेक्ट गरम गरम पानी आप साइड में रखिए पकाने के लिए, बॉईल करने के लिए, और वो गरम पानी इसमें डालिए। हरा धनिया डालिए ऊपर से और इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट स्लो गैस पे पकने दीजिए। तो ये देखिए आ गया ना आपके मुंह में पानी, क्या ब्यूटीफुल बना है। देखिए ऊपर कैसे ऑयल इसका आ गया, मतलब ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बना के मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।